रेगिस्तानी दुनिया का सवाल का जवाब देकर सम्राट कुंभा एक बर्फीली दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां चारों ओर दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ नज़र आती है। बर्फीला तूफान होने पर भी सम्राट कुंभा निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाते हैं। बर्फीले तूफान से बचने के लिए सम्राट अपने और अपने घोड़े के लिए आग जला लेते हैं और सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। वहीं दूसरी ओर महल में महामंत्री जी, सम्राट को गए हुए कई दिन हो चुके हैं, मुझे उनकी चिंता हो रही है। हमारे सम्राट अकेले ही 100 लोगों पर भारी हैं, इसलिए चिंता करना छोड़ दो। वे जिस कार्य के लिए गए हैं अवश्य ही पूर्ण करके लौट आएंगे। जिस सम्राट के साथ लाखों लोगों की दुआ हो, आखिर उन्हें क्या हो सकता है। शुक्रिया महामंत्री जी, आपने मेरे मन की चिंता को दूर कर दिया, अब मुझे आज्ञा दीजिए। सेनापति जी, क्या हुआ, क्या खबर लेकर आए हो? सेनापति जी, उस बिच्छू राजा ने हमारे 2 सैनिकों को मार डाला। बिच्छू राजा भले ही कपटी हो, लेकिन संधि स्वीकार करने के बाद उन्होंने ऐसा क्यों किया? और बिच्छू राजा ने संदेश भेजा है, युद्ध की जानकारी जल्दी से जल्दी दें। अगर वो युद्ध चाहता है तो युद्ध होगा। नहीं चक्रपाणी, सम्राट कुंभा का कहना है युद्ध से केवल हानि ही होती है, इसलिए ऐसे युद्ध का फैसला हम तुरंत नहीं कर सकते। जी महामंत्री जी। वहीं दूसरी ओर सम्राट कुंभा सुबह होते ही अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर आगे चलने के बाद सम्राट को कोई मंदिर नजर आता है। ऐसा मंदिर देखने के बाद वे अचंभित हो जाते हैं। तभी उन्हें सीढ़ियों के पास बर्फ से ढका हुआ एक कुआं नजर आता है, जिस पर कुछ लिखा हुआ होता है। कुएं की बर्फ को अलग करके सम्राट उस वाक्य को पूरा पढ़ते हैं, जिस पर लिखा हुआ होता है कि इस कुएं में ऐसी चीज़ फेंकनी है जो उस मंदिर में है लेकिन किसी काम की नहीं। ऐसा पढ़कर सम्राट उस मंदिर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। मंदिर में पहुंचने के बाद सम्राट भगवान गणेश जी के दर्शन करते हैं और फिर उस व्यर्थ चीज़ को ढूंढने में लग जाते हैं। वह वस्तु न मिलने पर सम्राट भगवान गणेश जी से प्रार्थना करने लगते हैं। सम्राट उस मूर्ति को ध्यान से देखते हैं, वे पाते हैं भगवान गणेश जी के 2 दांत हैं, लेकिन भगवान गणेश जी को एक दंत के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए वे एक दांत तोड़ लेते हैं और फिर उस व्यर्थ चीज को वे कुएं में फेंक देते हैं।